इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। यूक्रेन के खार्कीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर रूस ने हमला कर दिया है। यूक्रेन के खार्कीव में बड़ा हमला किया गया है। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर रूसी सेना ने हमला बोल दिया। रूसी सेना ने दागे कई रॉकेट। रूस यूक्रेन के बीच 11वें दिन भी जंग जारी है, लेकिन हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। ना तो रूस अब पीछे हटने को तैयार है और ना ही जेलेंस्की हार मानने तैयार है। रूस यूक्रेन पर भारी बमबारी जारी है। कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, या यूं कहें कि ये शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। अब रूसी सेना हमलों से यूक्रेन में गैस सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। रूसी यूक्रेन युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन का हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रूस को भी इसका नुकसान हो रहा है। यूक्रेन में तबाही का मंजर जारी है। शहर खंडहर में पूरी तरह तब्दील हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये बड़ी बड़ी इमारतें अब खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। आलम यह है कि ना तो अब स्कूल बचे हैं और ना ही कोई शिक्षण संस्थान, पूरी तरह से अब वीरान हो चुके हैं। हमले अब रुक नहीं रहे हैं, ना ही यूक्रेन हार मान रहा है। पुतिन कह रहे हैं कि जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं। बीते दिन जहां रूस ने सीज फायर का ऐलान किया था, अगले ही दिन मारियोपोल पर हमला कर दिया। वहीं यूक्रेन के नागरिकों के साथ अमेरिकी भी इस जंग में कूदने के लिए तैयार हैं। उधर कई कंपनियां रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रही हैं, अपना व्यापार बंद कर रही हैं। इतने प्रतिबंधों और कई कंपनियों के अपने कारोबार बंद करने पर भी रूस पर कोई असर नहीं हो रहा है। यूक्रेन के खार्कीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमले की अब खबर है। रूसी सेना ने खार्कीव शहर में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला किया है। यूक्रेन मीडिया के मुताबिक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर रूसी सेना ने कई रॉकेट दागे, जिससे पूरी तरह से न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में आग ही आग नजर आ रही है। फायर फाइटर आग बुझाने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में आग धधक धधक रही है और चारों तरफ आग ही आग की लपटें दिखा रही हैं। यूक्रेन के ने आरोप लगाया कि रूस की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है, इस वजह से लोगों को निकालने का भी काम रोकना पड़ रहा है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे 45 मिनट तक बातचीत चली। हालांकि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच क्या बातचीत हुई, इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन रूसी सेना ने विनित्सिया में मिसाइल हमले किए हैं। रूसी सेना ने विनित्सिया में 8 मिसाइल दागी हैं। रूसी सेना ने एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया। रूसी सेना ने हमले में एयरपोर्ट भी पूरी तरह से तबाह हो गया। बीते दिनों आपको बता दें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला किया था, लेकिन वहां पर कोई खतरा नहीं हुआ। जेलेंस्की ने कहा था कि अगर वहां पर धमाका होता है तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा, या यूं कहें कि यूरोप का नामो निशान मिट जाता। लेकिन अब एक खबर आ रही है कि यूक्रेन के खार्कीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला हुआ है। रूसी सेना ने यह हमला किया है, जिसमें ये न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आग ही आग नजर आ रही है। आग की लपटें कई मीटर तक उठ रही हैं और फायर फाइटर आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि वो पुतिन से बात करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन यूक्रेन में 11वें दिन भी आज जंग जारी है। रूसी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है और जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। पुतिन कह रहे हैं कि मेरी शर्तें मान लो तभी युद्ध खत्म होगा, लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।